तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग से जो है बेसिकली छोटा सा कोड लिख सकते हैं जिससे आप कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं। तो ये फन वे है पहला प्रोग्रामिंग शुरू करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक डेस्कटॉप पे जैसे कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं, इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। अभी क्या खुला था, पाइथन फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम टर्मिनल खोल लेते हैं। सारा काम हम टर्मिनल पे ही करेंगे, तो ऑब्वियसली टर्मिनल खोलेंगे। उसके बाद हमको जाना है cd mkdir। हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, तो रूट रैस डेस्कटॉप पे। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट, और मेरे ख्याल से फाइल अभी भी है ही यहीं पे, इसको हम ट्रैस से हटाए नहीं है ना, तो अब हटा देते हैं। अब काम करेगा। तो mkdir रूट डेस्कटॉप, अरे यार पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद हम उस फोल्डर में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं बस की, अरे हाँ उसका अथी नहीं डाल रहे थे, क्या कहते हैं उसका नाम, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसका नाम डालेंगे पाइथन। देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब उस फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में चले गए, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे बेसिकली gedit से। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं gedit तो इंस्टॉल कर लीजिए। gedit ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, apt पूरा कमांड बताते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी और सिस्टम में है तो sudo apt get install gedit। ठीक है, एंटर मारिएगा तो उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद यह पासवर्ड डाल के यस कर दीजिएगा तो बेसिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रूट में हैं तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, मेरा ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे gedit python 101.py। ठीक है, हो गया क्रिएट हो गया। अब इसमें हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे abc हो गया, और इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बेसिकली एक और टर्मिनल ओपन करना है, और जाना है आपको cd पाइथन में चले गए। उसके बाद पाइथन 101 उसके बाद /.slash पहले लिस्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। लिस्ट है, ये है पाइथन 101, तो उसके बाद /.slash/ पाइथन 101 python101.py। देख सकते हैं कि इसका परमिशन डिनाइड है, क्योंकि इसमें परमिशन नहीं मिला हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करने का। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी हम करेंगे कि इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। तो उसके लिए chmod पहले ls.la से देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है। देख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जिसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको करना है कि c
CHMODCH पॉड प्लस एक्स, उसके बाद उसका नाम python पाइथन 101.py एंटर मार देंगे। उसके बाद देखते हैं ls स्पेस फ्लोर स्लैश ls, उसके बाद देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया और ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल बन गया। तो अब बेसिकली इसको रन कर पाएंगे हम। तो उसके लिए अब हमको जाना है फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश python.py, नोट सच फाइल और डायरेक्टरी, अरे गलती हो गया, python.101.py। तो देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि उस पर कोई कमांड है ही नहीं, ठीक है, इसलिए कमांड नॉट फाउंड कर रहा है। इसमें अब हम कमांड डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो काम हम किए हैं वो ये है कि इसमें हम लिख दिए हैं हैश, जो भी इसको आप नॉर्मल लाइफ में हैशटैग बोलते होंगे, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये डिफाइन करता है बेसिकली कि ये बस एक लाइन है जिसको एग्जीक्यूट नहीं करना है बेसिकली, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो भी है आप वैसे उतार दीजिएगा, और ये पाइथन 3 दिखाने के लिए कि हाँ ये पाइथन 3 प्रोग्राम है, ठीक है। अभी लेटेस्ट शायद पाइथन 3 ही है, हमको पता नहीं है ठीक से, लेकिन शायद पाइथन 3। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम लिखेंगे बेसिकली इस क्या कहते हैं इस हैशटैग के बाद, जो भी कह लीजिए आप इसको, वो बेसिकली कमांड यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो जिससे देख सकते हैं हम इस कमांड को रन करते हैं पाइथन 3, देखिए कुछ कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका बेसिक मतलब है कि ये जो है बेसिकली हमारा जो ये जो कमांड है ये एक्चुअली कोई कमांड है नहीं, ये दिखाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ। तो अभी हम कुछ कमांड लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो कमांड को यहाँ पे दिखाने के लिए सिंपल टेक्स्ट अगर आप लिख दीजिएगा ABC तो काम नहीं करेगा। जैसे ABC लिख के उसको सेव करके उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर कोड नेम ABC दिखा दिया, समझ गए। तो ऐसे काम नहीं करता है कि आप कुछ भी टाइप कर दीजिएगा तो दिखाएगा। तो इसमें हमको टाइप करना है प्रिंट, ठीक है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला और क्या बोलते हैं इसको कोटेशन मार्क जो भी बोलते हैं जो भी हो, उसके अंदर में लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसमें आके फिर से जो है कमांड रन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अब हम सीखेंगे इसको बेसिकली कि जोड़ घटा गुना भाग कैसे करते हैं, इसमें सीखेंगे। तो चलिए बनते रहते हैं। उसके बाद करना ये है कि उसके बाद एक और कमांड रन करते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। प्रिंट, उसके बाद डबल कोटेशन और उसके बाद हेलो कॉमा दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक्चुअली में गलती कर दिए हम, उसको सही करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं 3 आएगा। देखिए अब सही हो गया, वही तो कह रहे थे हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मैजिक। देख सकते हैं दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद हम कमांड रन करेंगे
उसके बाद बेसिकली अगर आपको कोई स्पेस डालना है, देखिए जैसे हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड के बाद ये स्पेस आ गया है, तो वो बेसिकली इसके वजह से आया है, प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉम, पता नहीं क्या है ये, हमको इसके पढ़ने नहीं आता है, पता नहीं क्या है, जो भी है ऐसे टाइप कर देंगे, उसके बाद हैशटैग जो भी है, उसके बाद न्यू लाइन। तो इस कमांड से होगा ये बेसिकली कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जगह जो है थोड़ा सा छूट जाएगा, उसके बाद एक लाइन छूट जाएगा और उसके बाद कमांड जो है सो नीचे से शुरू होगा। तो उसके बाद हम बेसिकली जोड़ना घटाना सीखेंगे, ठीक है। अब असली चीज़ पे आते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, वो है बेसिकली जोड़ घटा गुणा भाग। तो ये जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग मैथ, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये, उसके बाद मैथ टाइम ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर से एंटर प्रिंट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये, उसके बाद 50 50 प्लस 50, ये क्लोज, उसके बाद ये भी क्लोज, उसके बाद इसको सेव करके देखते हैं यहाँ पे क्या अंतर आता है। तो देख सकते हैं 50 प्लस 50, अरे जोड़ नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, इसको ऐड क्या क्या गड़बड़ कर दिया, कहाँ गड़बड़। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेस देना छोड़ दिए थे, यहाँ पे छोटा छोटा गलती से जो होता है ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे अब सेव करते हैं इसको और चलिए फिर से रन करते हैं, फिर से नहीं हुआ। अरे हाँ, एक गड़बड़ हम कर दिए थे कि हम जो ये जो दे रहे हैं, ये जो ऊपर में है, ये बेसिकली तब दिया जाता है जब आपको कोई सेंटेंस लिखना होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, सिंपल सा मैथ है, तो इसको नहीं देंगे। मेरे ख्याल से अब सही हो जाना चाहिए। हाँ, देख सकते हैं 100 आ गया। वैसे ही यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रिंट 50 माइनस 50, ठीक है, इसके बीच में स्पेस होना चाहिए था। इसको सेव करते हैं और आप देखते हैं, देख सकते हैं 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रिंट उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 50 ब्रैकेट क्लोज, सेव करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 2500 आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ घटाओ गुना हो गया, भाग है बाकी। तो प्रिंट 50 बाय 50 और चलिए देखते हैं, तो देखिए 1.0 आ गया। तो मैथ हम लोग सीख गए हैं पाइथन में कैसे करते हैं मैथ का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।